आज मैं आपको एक डॉक्टर से मिलाने वाला हूँ। डॉक्टर से आप सोच रहे होगे कि किसी इंसान या जानवर का इलाज करने वाले डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज मैं आपको मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करने वाले डॉक्टर से मिलाने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरी यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करने वाले डॉक्टर से आज हम मुलाकात करने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो बाइक रिपेयरिंग कर रहे हैं वो भाई साहब दिख रहे हैं आपको। पहले तो मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो शायद मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि उनके गले के अंदर टेथोस्कोप लगा हुआ था। और टेथोस्कोप आप जानते ही हैं कि कहाँ यूज़ होता है, अस्पतालों के अंदर ही टेथोस्कोप यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो महाशय है वो बाइक रिपेयरिंग करने के लिए टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। और चलिए तो हम उनसे पूछते हैं कि टेथोस्कोप से वो करते क्या है। हेलो भाई साहब, भाई साहब मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? ये आप टेथोस्कोप लगाकर बाइक को क्या कर रहे थे? ये बाइक जिंदा है या मर गई वो चेक कर रहे थे आप? नहीं, इंजन नॉइज चेक कर रहा था। वो कैसे? टेथोस्कोप तो अक्सर अस्पतालों में यूज किया जाता है। ये बाइक का टेथोस्कोप है ना, तो आप इसके अंदर वो एक चेक क्या करते हैं इसके अंदर? इंजन नॉइज। तो वो पता कैसे चलता है? वो तो देखने से पता चलता है ना। मतलब आपने कोई कोर्स किया है इसके लिए? इसके लिए सालों की मेहनत है ये। क्या बात करते हैं। तो आपको इस लाइन के अंदर तकरीबन कितना टाइम लगा है और आपका एक्सपीरियंस के अंदर कितना है? कम से कम 20-25 साल हो गए। क्या बात करते हो, आप 25 साल से इस लाइन के अंदर हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो भाई साहब है वो टेथोस्कोप से इंजन का नॉइस चेक करते हैं, इंजन के अंदर जो एक्स्ट्रा आवाज़ आती है वो चेक करते हैं। और आप ये सब देख सकते हैं, ये इनका ऑपरेशन थिएटर है। और आइए फ्रेंड्स, ये देखिए इनके ऑपरेशन करने के सब औजार यहाँ पर रखे हुए हैं। तो भाई साहब, ये आवाज़ क्या मैं सुन सकता हूँ? मुझे सुन सकते हो? तो पता कैसे चलेगा कि एक्स्ट्रा आवाज़ है? मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बाइक का एक्स्ट्रा वॉइस चेक करने वाला हूँ। गाड़ी स्टार्ट हुई। हाँ, और आप देखना, ये जो होता है ये टैपेट के नॉइस होता है। हाँ, आपको पता नहीं चलेगा, साउंड एक ही टाइप का दिखेगा आप। हाँ हाँ, समझ पड़ेगा। साउंड आ रहा है आपको? ये साउंड आ रहा है? हाँ हाँ, यहाँ का साउंड चेंज हो गया। हाँ, ये साउंड चेंज हो गया। हाँ, तो क्या इंजन में पूरे साउंड चेंज होते रहते हैं, और इस साउंड किसकी है, टाइमिंग की है या टैपेट की है, उसका अपने को पता चलता है इससे। तो देखिए भाई साहब ने मुझे इंजन का नॉइस चेक करवाया, लेकिन मुझे तो कोई आवाज़ में इतना कुछ नॉलेज नहीं पड़ा। लेकिन ये भाई साहब का एक्सपीरियंस है और इनकी सुनने की जो क्षमता है बहुत ही हाई है, तो उन्हें तो पता चलेगा क्योंकि उन्होंने 25 साल का इसके अंदर टाइम दिया है। और उन्होंने मुझे अलग अलग जगह की आवाज़ भी सुनाई, तो मुझे तो डिफरेंट कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये भाई साहब जो है वो इसी तरह इन बाइकों का इलाज करते हैं। तो देखा आपने, ये भाई साहब जो है बाइक का इलाज कैसे करते हैं। आज मैंने इनको एक नाम दिया है, बाइक वाला डॉक्टर। अगर आप भी अपनी बाइक का इलाज करवाना चाहते हैं तो इनके पास आइए। इनका नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।